हाय फ्रेंड्स, मेरा नाम अमित और यूट्यूब के टेक्निकल वाइड चैनल में आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि आप कैसे अपने कंप्यूटर के किसी भी प्रॉब्लम को ठीक कर सकते हैं, वो भी बिना किसी सॉफ्टवेयर को डाउनलोड किए हुए। तो आप जो है कैसे ये करेंगे, तो ये जानने के लिए इस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक का पूरा देखते रहिए। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए, ताकि आने वाले लेटेस्ट नई वीडियोज़ की जानकारी आपको सबसे पहले मिल सके। तो चलिए जानते हैं कि आप कैसे अपने कंप्यूटर के किसी भी प्रॉब्लम को ठीक करेंगे। तो इस मेथड का यूज करके जो है आप अपने कंप्यूटर के किसी भी सॉफ्टवेयर प्रॉब्लम को ठीक कर सकते हैं। चाहे आपके कंप्यूटर में कोई भी सॉफ्टवेयर प्रॉब्लम हो तो आप जो है इसमें एक मेथड का यूज करके उस प्रॉब्लम को दूर कर सकते हैं। और इसके लिए आपको कोई भी सॉफ्टवेयर डाउनलोड करने की जरूरत नहीं होगी, बस आप इस प्रोसेस को कीजिए जो मैं आपको अभी बता रहा हूँ। इसका यह करके आप जो है अपने कंप्यूटर के किसी भी सॉफ्टवेयर प्रॉब्लम को ठीक कर सकते हैं। तो ये करने के लिए सबसे पहले आपको यहाँ पर स्टार्ट बटन पर क्लिक करना है, और उसके बाद क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे सर्च प्रोग्राम एंड फाइल्स पे आना है। यहाँ पे आने के बाद आपको सर्च कर लेना है री स्टोर। तो यहाँ पे आपको री स्टोर लिख करके सर्च करना है स्टोर। उसके बाद आपको यहाँ पे एक प्रोग्राम आएगा सिस्टम री स्टोर का, इसे आपको यहाँ से रन कर लेना है। उसके बाद ये आपका स्टार्ट होने लगेगा। तो ये जो है आपके कंप्यूटर को जो करता है ये कि आपके कंप्यूटर को जो है बैक डेट पे लेके चले जाता है। जिस समय आपका कंप्यूटर ठीक था आप यहाँ से वो डेट सिलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पे आपको आएगा चूज ए डिफरेंट रिस्टोर पॉइंट का, उस पर आपको क्लिक करना है। और उसके बाद आप जो है यहाँ पे नेक्स्ट पे क्लिक करना है। उसके बाद आपको यहाँ पर दो डेट्स शो करेंगे। तो यहाँ पे आप जो है कोई भी डेट पर जो जिस समय आपका कंप्यूटर ठीक था, जिस डेट को आपका कंप्यूटर ठीक था उस डेट पर आप जो है यहाँ से जा सकते हैं। तो आप जो है अगर यहाँ पे बैक डेट पर जाकर अपने कंप्यूटर को जाते हैं तो भी आपका कंप्यूटर में जो भी आपने डॉक्यूमेंट फाइल या कोई भी प्रोग्राम इंस्टॉल किया है वो सब आपका डिलीट नहीं होता है, वो आपका रहेगा ही। तो यहाँ पे जो है आप जो है यहाँ पे आपको शो मोर रिस्टोर पॉइंट का ऑप्शन दिखेगा, उस पर आपको क्लिक करना है। जिसके बाद आपको यहाँ पे बहुत सारे डेट दिखाई देने लगेंगे। आप जो है किसी भी डेट पर जाकर अपने कंप्यूटर को जिस समय आपका कंप्यूटर जिस डेट पर ठीक था उस डेट पर क्लिक करके आपको यहाँ पे नेक्स्ट करना है। उसके बाद आपको यहाँ पे फिनिश करना है कन्फर्म करने के लिए। मैं यहाँ कोई दूसरा डेट चुन लेता हूँ। और फिर आपको यहाँ पे आएगा कि आपको आपका जो कंप्यूटर है वो रिस्टार्ट होगा, तभी आपका जो है कंप्यूटर बैक डेट पर जाएगा और आपका कंप्यूटर जो है पहले की तरह हो जाएगा। तो यहाँ पे आपको जो है इस मैसेज पे यस कर लेना है, कर देना है। और इसके बाद कुछ देर बाद आपका कंप्यूटर रिस्टार्ट होगा, जिसमें कुछ समय लेगा। ये आपका 10 से 15 मिनट का समय लेगा और आपका कंप्यूटर जो है पहले के जैसा हो जाएगा। लेकिन आपने जो भी डॉक्यूमेंट्स अपने कंप्यूटर में जो है इंस्टॉल किया है या जो भी जो है प्रोग्राम अपने कंप्यूटर में इंस्टॉल किया है वो सभी प्रोग्राम आपके कंप्यूटर में रहेगा ही, वो सभी आपके कंप्यूटर से नहीं हटेगा। तो ये जो है सिर्फ आपके विंडोज़ के कुछ सेटिंग्स को पहले के जैसा कर देता है, जिसके कारण कि आपका विंडोज़ का जो भी प्रॉब्लम है वो ठीक हो जाता है। तो इस तरह से जो आप अपने कंप्यूटर के किसी भी प्रॉब्लम को इस मेथड का यूज करके ठीक कर सकते हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें, और हमारे चैनल पर बने रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए। तो मिलते हैं अगली वीडियो में लेटेस्ट नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए बाय।